मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर आ जाते हैं, रहने की व्यवस्था कर दी जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं रहते सहते, तो एक दिन मार्कंडेय ऋषि और धर्मपुत्र आपस में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। तो धर्मपुत्र ने कहा कि ऋषिवर, जितने हम व्याकुल हैं शायद इतना संसार में कोई दुखी नहीं होगा, और महारी तो देखी जा जितनी हमारी और दुखी है ना, इतना शायद ना को होया होगा और ना गय को हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, ऐ योद्धा ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे से पहले तो बहुत बहुत दुखी होकर चले गए, और क्या औरतों की बात करता है, थारी और तुम्हारे साथ तो है। कि हाँ महाराज, वे भी औरतों की जो अपने पति के साथ भी नहीं रही, इतने दुखी हुए हैं तुम्हारे से पहले। हे महाराज, हमारे से ज्यादा दुखी के हाँ के कौन? तो मार्कंडेय ऋषि सत्यमान सावित्री की कथा सुनाते हैं धर्मपुत्र के सामने। कैसे भला? ये रे धर्मपुत्र कहे नहीं दुखी, ओए जिसी दुखी क्रिया माई, फिर इतनी सुन के मार्कंडेय ने धर्म कथा कर दी सारी। धर्म पुत्र कह नहीं दुखी, महाराज के दशमी ओए सूर्य के सम्मान होया, दान पुण्य और यज्ञ करता वो युद्ध करता बलवान होया। गौ ब्राह्मण साधु का प्यारा गुरु चरण में ज्ञान होया, अग्निहोत्री पंच महायज्ञ शास्त्रों का ज्ञान होया। वो राजा थे जो प्रजा के, वो राजा थे जो प्रजा के, ओ हरदम रे आज्ञाकारी, इतनी सुन के की आई सो करता मन में, नहीं हुई संतान भूप के चकर करया करता तन में, सब राजों में शेष भूप के फिर कभी नहीं माया धन में, सहनसर मंत्रों का जाप करा के एक कठिन व्रत कर बारी, इतनी सुन के मार्कंडेय ने इंद्री
इतनी जीत पराक्रमी बने, वो नित आहार किया करता अग्नि में आहुति मंत्रों को सेंसर बार किया करता, दिन के छठे भाग में भोजन करके प्यार किया करता, हर वर्ष तक यज्ञ हवन तपे मन को मार किया करता, अग्नि में ते प्रकट हो गए, अग्नि में ते ओए बोली सब तेरी प्यारी, इतनी सुन के मारकंडे ने प्रकट हो गए, ओए सावित्री फरमाई दर्शन दे दिए प्रसन्न हो गए, सम्मुख तरह खड़ी पाई लक्ष्मी चंदे सावित्री की कथा प्रेम से गाई, एक सती दो बार सती, हर बार सती होती आई, वाए सती जो अपन पति की, वाए सती कर राज ज्ञा का बेदारी, इतनी सुन